नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। चारधाम यात्रा, आज हम इसी पर बात करेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही केदारनाथ बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पिछला हर रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि इस दौरान अभी तक चारधाम की यात्रा पर जाने वाले करीब करीब 60 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। चारधाम यात्रा पर जाने के क्रम में अभी तक केदारनाथ में 28, बद्रीनाथ में 11, यमुनोत्री में 16 और गंगोत्री में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि 57 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक से हुई है। पहाड़ों पर ज्यादा ठंड और ऊंचाई होने की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर व्यवस्था पर्याप्त क्यों नहीं है। चारधाम यात्रा में 4 जगहों की यात्रा की जाती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। भागीरथी नदी के पास स्थित गंगोत्री की ऊंचाई समुद्र तल से 4100 मीटर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री 3293 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं बद्रीनाथ की ऊंचाई 3300 मीटर है, जबकि केदारनाथ की ऊंचाई 3583 मीटर है। वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों के मुताबिक पहाड़ पर पला बड़ा व्यक्ति और मैदानी इलाकों के इंसान की शारीरिक क्षमता में काफी अंतर होता है। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए मैदानी हिस्से में रहने वाले लोगों को पहाड़ पर सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1 जून तक रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फुल है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाने वाले यात्रियों को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 जून तक पूरी तरह फुल हो चुका है और बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए यात्री यहां तक फंसे हुए हैं। तमाम लोग जो यात्रा पर जाना चाहते हैं वो मजबूरन ऋषिकेश या आसपास के क्षेत्रों में ही इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने। बहुत से यात्री ऐसे हैं जिनका बद्रीनाथ धाम का पंजीकरण हो चुका है पर केदारनाथ का नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो यात्रा करने में असमर्थ है। तो इस तरह की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी जिसकी थी वो इतने लापरवाह कैसे हो गए, आखिर क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों बरसात का मौसम था, ऐसे में हमने देखा था कि जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए थे और बुरी स्थिति में थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो चारधाम की यात्रा पर आते हैं। हर साल ये कोशिश की जाती है कि हर मुमकिन जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। 2 साल तक इंतजार हुआ क्योंकि कोरोना काल था तो यात्रा नहीं हो सकी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इस बार जब यात्रा होगी तो सारी व्यवस्थाएं होंगी, पर्याप्त मात्रा में सभी साधन होंगे। और पहले भी ये कहा जा रहा था जब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन शुरू हुए समय बीतता जा रहा है, लोगों की जान जा रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये। आज इस पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है विपक्ष द्वारा, वो जरा आपको सुनवाते हैं। काश इन दिग्गज नेताओं को चारधाम यात्रा में उतारा होता। 3-3 दिग्गज मंत्री चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। धन सिंह रावत हैं, सुबोध उनियाल हैं, सतपाल महाराज हैं, उसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी यात्रा सुचारू नहीं हो पा रही, उसके बावजूद भी आप देखिए कि यात्रा का क्या हश्र कर डाला इस भाजपा की सरकार ने। अब वहाँ पर इतने बड़े बड़े मंत्री उतर भी जाएँ, जो लोग खटीमा में नहीं जिता पाए वो चंपावत में कौन सा कद्दू में तीर मार लेंगे। खटीमा चुनाव के वक्त क्या ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन घुइयां छिल रहा था, जो आज इनको सब कुछ याद आ रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि हिली हुई है, डरी हुई है, भयग्रस्त है भाजपा, और खास करके मुख्यमंत्री धामी अपनी हार जीत को लेकर बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, नहीं तो वो इस तरह के कृत्य नहीं करते। आज चंपावत में जिस तरह से चंपावत की बेटी के साथ सलूक हो रहा है, उनके कार्यालयों को, लोगों को, स्थानीय जनता को डराकर धमकाकर जबरन बंद किया जा रहा है, उनके झंडे, बैनर, पोस्टर उतारे जा रहे हैं, उनकी सभाओं को खराब किया जा रहा है सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, और तो और सार्वजनिक सभाओं से भाजपा के नेता बलि का बकरा कह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप जितनी भी महिलाओं को टिकट देते हैं क्या वो आपकी बलि का बकरा होती हैं? तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री कभी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कभी वो लोक लुभावनी घोषणा कर रहे हैं, कभी उनको अपने नाम और अपने चेहरे पर ही भरोसा नहीं हो रहा है, 40-40 स्टार प्रचारक उतार दे रहे हैं। तो कितने भी कैबिनेट मंत्री उतारो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, हर बार काट की हड्डी नहीं चढ़ती। तो विपक्ष को सुना आपने,
सवाल था विपक्ष का कि तीन तीन मंत्री व्यवस्था देख रहे हैं, उसके बावजूद लोगों की जान जा रही है, लेकिन जो सरकार है वो चंपावत चुनाव को लेकर काफी यहां पर मदमस्त कहे नजर आ रही है। काफी ज्यादा चंपावत पर फोकस किया जा रहा है, चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस नहीं है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। वसीम जैदी साहब हैं, कांग्रेस से हैं, संजीव वर्मा जी बीजेपी से हैं, और हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुभाष का मैं रुख करूंगी। सुभाष, पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आप तमाम तैयारियां आपने देखी, अब तो चारधाम यात्रा चल रही है काफी दिनों से, किस तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं, लोगों की जान क्यों जा रही है, और क्या पर्याप्त व्यवस्था है जिसके वादे और दावे किए जा रहे थे? सुभाष, बिल्कुल जैसे ही यात्रा शुरू हुई उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार यात्रा बेहतर तरीके से चलेगी, और उम्मीद भी जिस तरीके से राज्य सरकार ने की थी कि कोरोना काल के बाद यात्रा बेहतर चलाई जाएगी, सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाएगी। लेकिन जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई उसके साथ ही सरकार के जो दावे थे, जो जितने भी दावे सरकार ने किए थे, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आए। और पहले ही दिन जब केदारनाथ यात्रा के कपाट खुले, उसके बाद से ही केदारनाथ धाम के लिए जो श्रद्धालुओं की संख्या हुआ करती थी, उसके दो गुना श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे, जिनके लिए कोई भी व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर पाए। और आनन फानन में राज्य सरकार को फिर अपना एक फैसला बदलना पड़ा, यानी कि यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार जरूर ये कहती हुई नजर आई कि कोई भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में आने के लिए। और लगभग दो दिन बाद राज्य सरकार को रजिस्ट्रेशन को फिर से अपनाना पड़ा, और रजिस्ट्रेशन जिस व्यक्ति का होगा वो ही चार धाम यात्रा कर पाएगा। इस तरीके की ये नई नीति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर राज्य सरकार चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में फेल नजर आई, और यही वजह है कि दो प्रभारी मंत्रियों को भी नियुक्त करना पड़ा चार धाम यात्रा को चलाने के लिए, क्योंकि पर्यटन मंत्री विदेश दौरे पर था, और केवल पर्यटन मंत्री के अलावा दो मंत्रियों को और नियुक्ति दी गई। उसके बावजूद भी चार धाम यात्रा बेहतर तरीके से नहीं चलाई गई, और स्थिति ऐसी बन गई कि रजिस्ट्रेशन फुल होने के बाद आगामी रजिस्ट्रेशन जो उनको रोक दिया गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अगर हम इसे पूरी तरह से पर्यटन कहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये तीर्थाटन है, तीर्थयात्री है, ये तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, चार धाम यात्रा पर। संजीव जी, सर आपने सही होगा, मेरे सहयोगी वहीं पर रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं वो भी देख रहे हैं। सुभाष जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं जिनका वादा दावा किया गया था वो पूरी तरह से फेल है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार चंपावत चुनाव में बिजी है, और जो पर्यटन मंत्री हैं वो दुबई में बिजी हैं। काजल जी देखिए, दो साल कोरोना का कहर रहा और चारधाम यात्रा पूरी तरह से बाधित रही, और कोरोना काल के समाप्त होते ही श्रद्धालुओं के अंदर इतना जबरदस्त एक उत्साह और एक आस्था लिए हुए सभी तीर्थयात्री और श्रद्धालु चाहते थे कि हम इस साल अवश्य यात्रा करें। तो जो एक लोड मैं सोचता हूँ जरूर से कहीं ज्यादा एक साथ पड़ा है, तो उसकी वजह से शुरुआत में थोड़ी अव्यवस्थाओं का दौर रहा, किंतु सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ दो दो मंत्रियों को वहां का प्रभार सौंपा, साथ ही जो पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी को भी, क्योंकि बीच में यात्रा के लगभग प्रारंभ में वो एक टूरिज्म समिट, जो इंटरनेशनल टूरिज्म समिट था दुबई में, उसके उसमें जा रखे थे, और उत्तराखंड में टूरिज्म को हम कैसे और ज्यादा प्रमोट करें और कैसे उसको और ज्यादा उन्नत करें। अच्छा। इस विषय को लेकर जा रखे थे, और वो बात जैसे तुरंत वापसी आए उन्होंने अपना जो भी काम था उसको पूरी गंभीरता के साथ, और जो भी सुविधाएं हम श्रद्धालुओं को पर्यटकों को दे सकते हैं उसके ऊपर सभी लोग पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। सरकार दो साल में कोरोना काल की वजह से वो यात्रा नहीं हो पाई थी, तो लोगों में पहले से उत्साह बना हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, यानी कि आप लोगों को अनुमान था
कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो उस तरह से तैयारियां क्यों नहीं की गई? आप बोल रहे हैं कि अब व्यवस्था जो है वो सही तरीके से की जा रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती है संजीव जी। तस्वीरें बयां ये करती है कि बरसात के मौसम में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई बद्रीनाथ नहीं जा पा रहा है, तो किसी का रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए नहीं हो पा रहा है, तो किसी का गंगोत्री के लिए नहीं हो पा रहा है, किसी का यमुनोत्री के लिए नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऋषिकेश में फंसे हुए हैं, उनका क्या करिएगा? काजल जी देखिए, सरकार ने यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही हर स्थान के लिए, हर धाम के लिए जितनी भी वहां पर लिविंग कैपेसिटी थी, आवास की व्यवस्था थी, उसी के अनुरूप लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का ये काम किया था। लेकिन हमारे तमाम विपक्ष के द्वारा सरकार की एक आलोचना के नाम पे जो आलोचना करने का उन लोगों ने अपना एक मंसूबा पाल रखा है, और झूठ और फरेब और भ्रम फैलाने का और उत्तराखंड की इस यात्रा को बदनाम करने का वो जिस तरह से कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। उन लोगों ने जो हम लोगों ने एक बुक किया था कि हर जगह एक यात्रा ताकि व्यवस्थित चले और सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य, अपने धामों तक पहुंचाने की हम लोगों ने, सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन उन लोगों ने एक ऐसा प्रेशर बनाया कि आप इसको विपक्ष ने प्रेशर बना दिया। काजोल जी मैंने कहा सरकार अपनी तरफ से पूरी सरकार पूरे चारधाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी चाहती नहीं उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड का टूरिज्म पनपे, उत्तराखंड का चारधाम यात्रा पनपे, और यहाँ ये उत्तराखंड किया नहीं। लेकिन यही कहना चाह रहे हैं आप, जैदी साहब आपके पास आऊंगी, जैदी साहब हमारे साथ बने, विपक्ष हमारे साथ बैठा हुआ है। संजीव जी आपके जो भी यहाँ पर सवाल है, जो भी परेशानियां आप सीधा पूछ सकते हैं। जैदी साहब आप पर यह आरोप लग रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि चारधाम यात्रा सुगम तरीके से हो, लेकिन कांग्रेस के जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि पूरी तरह से विफल साबित हो रही है सरकार चारधाम यात्रा को सही तरीके से कराने की। सवाल ये भी है कि आंकड़ा जो है मौतों का वो बढ़ता जा रहा है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी तो आपको पहले से ही तमाम तैयारियां करके रखनी चाहिए थी। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसे में देखिए मैं चाहती थी कि यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो हार्ट फेल होने की आ रही है, यानी कि लोग पूरी तरह से परेशान हैं, त्रस्त हैं। बरसात में उन्हें छुपने के लिए कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, धर्मशाला क्योंकि पूरी तरह से फुल है, कुछ है ही नहीं, 1 जून तक सब कुछ पूरा फुल है। आखिर वो लोग जाएगा, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं। देखिए मुस्कान जी, अभी मैं बीच में संजीव वर्मा जी की बात नहीं सुन पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यू था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि संजीव वर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले, देखिए सरकार में कांग्रेस नहीं है, भाजपा की सरकार है, और इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि यात्रा सुचारू रूप से चले। इसकी एक वजह सबसे बड़ी है कि 2 साल से यात्रा बंद थी, और मैं कई बार उस यात्रा रोड पर गया, मैंने खुद कई व्यापारियों से बात की, और जिस तरह से लोन लेकर होटल बनाए गए थे, जिस तरह से लोन लेकर उन्होंने अपनी यात्रा के लिए उनका इंतजार था, तो इस बार एक बड़े अति महत्वपूर्ण के तौर पर यात्रा शुरू हुई, और शुरुआती 20 दिनों के करीब करीब 9 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। और जिस तरह से श्रद्धालुओं का अपमान, जिस तरह से यात्रा के सुचारू रूप से न चलाने के लिए ढीलापन सरकार का रहा, वो एक बड़ा सोचने विषय है। देखिए सबसे बड़ा नकारापन तो यह है कि सतपाल महाराज जी एक इंटरनेशनल समिट में गए और उनके स्थान पर उनके साथ साथ 2 अतिरिक्त मंत्रियों की ड्यूटी लगानी पड़ी, और जो 2 अतिरिक्त मंत्रियों की ड्यूटी लगी उसमें धन सिंह रावत जी केदारनाथ के लिए और सुबोध उनियाल जी को बद्रीनाथ के लिए यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुबोध उनियाल जी एक बार भी यात्रा रूट पर नहीं गए अभी तक। धन सिंह रावत जी एक बार काशी से गए, काशी से लौट कर आ गए। देखिए मेरे पास है, मेरे पास पूरा डेटा है। धन सिंह रावत जी ने 14 मई को गुप्त काशी तक गए, गुप्त काशी में उन्होंने जो यात्रा से संबंधित अधिकारी थे और जो स्थानीय विधायक थे भरत सिंह चौधरी और शैला रानी रावत,
दोनों के साथ उन्होंने मीटिंग की, 14 तारीख की बात है, गुप्तकाशी था, गुप्तकाशी से लौट कर आ गए। बाकी इन सब के दौरे पिथौरागढ़ और चंपावत तक सीमित और देहरादून तक सीमित है। अभी तक सतपाल महाराज जी जब आए उन्होंने एक बार यात्रा की, एक मीटिंग की, लगभग 3 या 4 दिन पहले की बात है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जो समस्या है, देखिए कांग्रेस चाहती है कि समस्याओं का समाधान हो और एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है चारधाम यात्रा। एक मिनट, पहले तो ये कि सर मेरा नाम काजोल है और दूसरी बात ये है कि आपने अभी बोला कि विपक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस समस्या को उठाने में। सिर्फ समस्या को उठाया है या कुछ किया भी है? क्योंकि विपक्ष का कांग्रेस क्या कर सकती है सर? देखिए विपक्ष केवल आवाज उठा सकती है। अगर आपको आपको श्रद्धालुओं से प्रेम है तो आप पर्सनली बहुत कुछ कर सकती है, पार्टी क्यों नहीं कर सकती? देखिए मेरी बात काजोल जी, कांग्रेस का कांग्रेस ने तो शुरू से एक इतिहास रहा है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। समस्या में दिन आता हूँ उससे फिर आप मुझे बताना इसमें कांग्रेस क्या करती है। संजीव जी आप तो चंपावत चुनाव में, आप तो चंपावत आपके लिए पहले इम्पोर्टेंट है ज्यादा। हाँ जैदी साहब, काजोल जी समस्या में गिनाता हूँ, इस समस्या पर आप मुझे बताना कि विपक्ष क्या कर सकती है। देखिए अभी 3 दिन पहले यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ लैंडस्लाइड की वजह से और लगभग 7,000 यात्री उसमें फंसे रहे। उन 7,000 यात्रियों के फंसने के बाद दबाव डाला सरकार पर। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप दबाव डाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। दबाव भी डाल रहे हैं। कांग्रेस एक संदेश देना चाहती है प्रदेश के बाहर भी कि यहाँ पर श्रद्धालु आए और यात्रा को करें। कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि चारधाम यात्रा बाधित ना हो। कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि चारधाम यात्रा पर कोई श्रद्धालु आए उसके साथ किसी तरह का कोई अन्याय है। हमारा मकसद ये है कि चारधाम यात्रा से लोगों को डराना नहीं है, जितने मर्जी चाहे श्रद्धालु आ सकते हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाना, डराना नहीं चाहते, सुगम बनाना। कांग्रेस ने अभी तक डराया है? काजोल जी, चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है, कांग्रेस पार्टी का रुख नेगेटिव रहा है और ये भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि श्रद्धालु चार धाम यात्रा से अपना रुख चेंज करे और यात्रा में ना आए। जैदी साहब पूरी करिए अपनी बात। हाँ मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं चाहता हूँ संजीव वर्मा को कमेंट करें। मैं बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था। देखिए सुनिए, पहले क्या होता था, 2019 तक यात्रा को सुगम तौर पर चलाया गया जिसमें से 2 साल सरकार रही, भाजपा की रही। पहले 8,000 यात्रियों तक की सीमित 8,000 तक यात्रियों के रुकने की व्यवस्था केदारनाथ तक में होती थी और पिछले इस साल इन्होंने 6,000 उसे घटा दिया। अब सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, आप सुनिए जरा इस बात को। एक तो अभी इन्होंने पहले पैरामेडिकल और डॉक्टरों की जो परमानेंट नियुक्ति हो रही थी वो नहीं हो पाई और अब पैरामेडिकल और डॉक्टरों के 15-15 दिन के रोटेशन इन लोगों ने रखे हैं और आज उसे 3 दिन पहले से ज्वाइन करना था, अभी तक वहां पर डॉक्टर और पैरामेडिकल का जो स्टाफ है उसे ज्वाइन नहीं कर पाया है। काजोल जी मेरे मित्र पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। 75 डॉक्टर्स की एक एक्स्ट्रा टीम पूरे चारधाम रूट के लिए डिप्लॉय की हुई है और पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंस का एक बड़ा बेड़ा। वो हमारे सहयोगी हैं सुभाष जी, उनके पास पूरा ब्यौरा है, वो बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं सुभाष जी के पास जाऊंगी, वो पूरा ब्यौरा बताएंगे अच्छे से। जैदी साहब, काजोल जी मेरा बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, मुझे आवाज नहीं आ पाई थी। जैदी साहब बोलिए। देखिए सबसे बड़ी सवाल यह है कि जैसे अभी की बात है, अभी पंद्रह दिन के रोटेशन पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति 3 दिन पहले की गई है, जो 15-15 दिन के रोटेशन पर रहेंगे। क्योंकि जो समस्या सबसे बड़ी आई है, जो 64 यात्रियों के अभी तक मृत्यु हुई है उसमें से 99% हार्ट अटैक से हुए हैं। डॉक्टरों से मेरी स्टाफ में मैंने खुद पर्सनली भी बात की, हाइपरथर्मिया एक बीमारी होती है, जब हमारा एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है तो हाइपरथर्मिया के कारण ज्यादातर मौतें होती है। तो अभी तक की जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पैरामेडिकल और डॉक्टरों की अतिरिक्त नियुक्ति होनी थी 3 दिन से पहले,
देखिए मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप सभी लोगों से सवाल ले लेना चाहती हूँ और आप लोगों के जवाब भी ले लेना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले सुभाष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, भली भांति वही रहते हैं, भली भांति देख रहे हैं पूरी। एक मिनट संजीव जी, एक मिनट सुभाष जी, देखा आपने जब सवाल किए जाते हैं तो एक दूसरे पर सवाल डाल दिए जाते हैं कि विपक्ष गलत बोल रहा है, विपक्ष कहता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सवाल ये है कि बिल्कुल, लेकिन काजोल बड़ा सवाल ये है कि जो समय है, इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की, जिनको चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलानी है। क्योंकि जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद से कई ऐसे यात्री थे जो लगभग एक एक हफ्ते तक ऋषिकेश में फंसे रहे, गौरीकुंड में फंसे रहे, बद्रीनाथ में फंसे रहे, तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी लेगा कौन? विपक्ष केवल सरकार को घेरने का काम कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार को जो योजना बनानी चाहिए थी वो योजना सरकार शायद नहीं बना पाई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज, जिनको सबसे पहले चार धाम यात्रा की समीक्षा करनी चाहिए, तमाम व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो मंत्री ही प्रदेश से बाहर थे, बल्कि देश से बाहर नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वसी जैदी जी ने बताया कि चार धाम यात्रा मार्ग पर जिस तरीके से यात्रियों की मौत हो रही है, उसका मुख्य वजह हार्ट अटैक जरूर है, क्योंकि जो चार धाम यात्रा है पैदल मार्ग से जाना पड़ता है और ऐसे में मौसम बदलता है और स्थितियां भी बदलती है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार की फेलियर जरूर माना जा सकता है, क्योंकि गौरीकुंड से जब यात्री केदारनाथ धाम के लिए चलता है तो उसका मेडिकल चेकअप नहीं कराया जाता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी व्यक्ति को यात्रा पहुंचाने के लिए। सुभाष, एक और सवाल आया था कि जो सुशांत सिंह राजपूत, उनकी फोटो लगी हुई थी कुछ, वो फोटोज हटाई गई, वहां पर विपिन रावत की फोटो लगाई गई और उसे सेल्फी पॉइंट बनाने की तैयारी यहाँ की गई है, क्या कोई मजाक है? चारधाम यात्रा है कि मजाक? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सतपाल महाराज जैसे ही वापस उत्तराखंड में वापस पहुंचे, जैसे ही उत्तराखंड में पहुंचे, उन्होंने किस तरीके से पर्यटकों की संख्या बढ़े उसको लेकर उन्होंने मीडिया में एक बाइट दी, जिसमें उनका साफ तौर से कहना था कि पहले सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक सेल्फी पॉइंट केदारनाथ धाम के मार्ग पे बनाया जाएगा, क्योंकि केदारनाथ जैसी एक बेहतर मूवी उन्होंने यहाँ शूट करी, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना वर्जन बदल कर ये कह दिया गया कि उस जगह पर विपिन रावत जी का सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। यानी कि ये साफ है कि राज्य सरकार जो करना चाहती है वो पर्यटन मंत्री को नहीं पता, और पर्यटन मंत्री जो बयानबाजी करते हैं उससे राज्य सरकार का कोई आपस में ही तालमेल नहीं है। संजीव जी को आवाज आ रही है क्या मेरी? ये ध्यान भटकाने के लिए सब हो रहा है। तो संजीव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे हम दोबारा उठाएंगे, एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन यहाँ जब कांग्रेस से पूछा जाए तो कांग्रेस कहती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जब सरकार से पूछा जाए तो सरकार कहती है कि कांग्रेस का काम है चारधाम यात्रा को गलत तरीके से दिखाने का, गलत दिशा में ले जाने का। लेकिन सवाल ये है कि जो मौतें हो रही हैं आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? जब पता था, पहले से अंदाजा था कि इस बार जो संख्या है श्रद्धालुओं की ज्यादा हो सकती है, तो पहले से ही तमाम तैयारियां क्यों नहीं की गई? आखिर चारधाम यात्रा को मजाक की तरह क्यों बनाया जा रहा है? इतनी बड़ी चारधाम यात्रा, हजारों की, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आधे दर्शन कर पा रहे हैं, आधे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मौसम की मार झेल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने गंतव्य तक पहुंच तक नहीं पा रहे हैं। इस मुद्दे को हम दोबारा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।